चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ बॉल प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग थ्रोज अ बॉल विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सबसे पहले फिगर हम लोग बना लेते हैं, फिगर एग्जैक्टली क्या कह रहा है ये, फिगर थोड़ा सा मोटा हो रहा है, ये थिकनेस ज़्यादा होगी। चलो ये हो गया आपका बिल्डिंग, ये हो गया ग्राउंड, ये हो गई बिल्डिंग, यहाँ से एक बच्चे ने बॉल को थ्रो किया, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए यू वेलोसिटी से, तो ये बॉल ऐसे जाएगी, ऐसे जाके गिरेगी, तो ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पे से थ्रो किया गया और 10 मीटर की हाइट पे ही बताना है कि कितना ये रेंज ट्रेवल कर चुका है। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, तो U की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 का स्क्वायर इंटू साइन 30, 2 इंटू 30 थीटा बाई जी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू साइन 2 इंटू 30 60 हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 होती है, रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 10, 10 से 10 कटा, 10 इंटू रूट 3 बाई 2, 2 से 5 टाइम गया ये 5, 5 इंटू 1.732, अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 इंटू 8 नहीं कितना आएगा 5 इंटू 1.732, 8.66 के आसपास आ रहा है, आई थिंक 8.66 मीटर ये रेंज आ गई, कौन सा ऑप्शन, यही वाला 8.6 के आसपास आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।